나가요. 나가면 어떡하래? 내가 돼, 나가. जो हमारा मतलब जंगल का काम है ना, ना तो लकड़ी ला पाते हैं हम, और ना ही मजदूरी कर पाते हैं। अब क्या करें, अब तो घर पे बैठे हैं। अब आगे क्या करना है हमें भी मालूम नहीं है। अंदर जो कुनो चीज पे उसमें आए हैं जंगल में, तो वहाँ पे अब बहुत कम लोग अब जाते हैं। लकड़ी वगैरह उस पर सब पे रोक लगा दी है। जो तो वैसे बहुत सी चीज़ों से हम लोग अब बेरोजगार से हो गए हैं। जड़ी बूटी लाने नहीं देते थे हम लोग, तो बहुत दिक्कत आ रही है। सतावर आती थी पहले थोड़ी बहुत, अब वो उस पर भी इसी सोपर जिले में प्रतिबंध लग गया। दो साल से तो सतावर बिल्कुल नहीं आ रही है। चिड़गोंद आता था तो वो भी, अब ये चीते वगैरह आ गए ना, तो उस चक्कर में अब जंगल में इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है फॉरेस्ट वालों ने। अब लकड़ी के लिए भी अब बेचारे आदिवासी तरस रहे हैं। आप तो चिड़गोंद कहाँ से लाएंगे, समस्या ये है बहुत बड़ी बात। तो ये मान लो अभी तो बिल्कुल नथिंग, जीरो है। अब तो कोई भी चीज़, जड़ी बूटी तो क्या आएगी, लकड़ी भी बेचारे मुश्किल से चोरी चकारी से ला के अपनी, मतलब क्योंकि उनके गैस गैस वगैरह जलाते नहीं है वो। बाकी वो जंगल से जो वनोपज आती थी, जो छोटी मोटी चीज़ें आती थी, जो जिनसे जिनको बेच के वो उधर पूर्ति उनकी हो जाती थी, हम लोगों का भी रोजगार उससे चलता था, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। मैं कह रहा हूँ ये इतने पेड़ हैं ना दीदी, ये सब मतलब हमारे पेड़ हैं। वो यहाँ हम काम करने के लिए आते हैं, अब एक साल से छोड़ दिया है हमने। इसमें दीदी जी है कि हमारी सालें फंस रही हैं अंदर, और जैसे जड़ी बूटी को आते हैं तो मतलब जाने नहीं देते यहाँ से। मतलब मेन गेट है ये, यहाँ से उधर के लिए नहीं जाने देंगे। वहाँ से यहाँ तक तो आ सकते हैं। परिवर्तन ज़्यादा आ गया है, कम से कम रुपया में 75% तो आना मान लो। तो जैसे डांग छूटी तो खेती पे ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और आगे चलेंगे तो केवल 100% खेती पे ही निगाह देनी पड़ेगी। और क्या करें, या मजदूरी या खेती, जंगल तो जाना ही नहीं। और जाएंगे तो फिर जेल कौन जाएगा, पैसे तो है नहीं। अब लकड़ी ले भी ना जान देते, वापस कर देते, ताल पैते जानी ना जान देते भीतर को। कछुए डांग ते लाता खर का जंगल ते 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 लकड़ी ले आते तो बिन नहीं बेच देते, तो हम पेट पालन हो कछुए जंगल बिगड़ हम परेशान है बहुत। अभी जो डैम बनेगा हमारे चेटी केड़ा डैम बनेगा, तो वो सामने जो पहाड़िया है वहाँ से वो पार जाएगी ऐसे, तो ऐसे होते हुए वो खलाई बरेड़ होके वहाँ पे पाटरी के पास में कहीं उसका वो है छोर, तो ये उसमें जो हमारा पूरा गांव डूब क्षेत्र में आ रहा है। तो उसमें सात गांव को ऐसे बता रहे हैं कि सात आठ गाँव ऐसे उसमें डूब में आ रहे हैं, और सब लोग का विस्थापन होगा। अब पता नहीं है कब होगा ये, तो अभी पता नहीं है। सरकार से ऐसी हमारे यहाँ कोई नोटिस वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं है उन्होंने।